नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। हिमाचल प्रदेश की खबरों में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि भूंतर हवाई अड्डे के विस्तार के लिए वन स्वीकृति मिल गई है और इससे कुल्लू घाटी की सुरैयम वादियों के एंट्री के रूप में महत्वपूर्ण हवाई पट्टी के विस्तार का मार्ग शुरू हुआ है और साथ ही साथ कहा कि इस परियोजना का विस्तार के लिए वन अधिनियम के तहत आवश्यक स्वीकृतियां सुनिश्चित करते हुए अब हवाई अड्डे के विस्तारीकरण का कार्य आरंभ हो सकेगा। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय की ओर से तय नियामक मानकों और विस्तारित सुरक्षा उपायों की दृष्टि से ये स्वीकृतियां आवश्यक थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुल्लू घाटी में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने में भूंतर हवाई अड्डे की महत्वपूर्ण भूमिका है और यहां तक हवाई सेवाओं के माध्यम से बड़ी संख्या में पर्यटक कुल्लू और लाहौल घाटी की सुंदर वादियों में आसानी से पहुंचते हैं। वहीं बताया कि अमृतसर से कुल्लू के लिए अब सीधी उड़ानें शुरू की गई हैं और ऐसे में देश विदेश के यात्रियों को इस हवाई अड्डे के विस्तार से लाभ होगा। अगली खबर ऊना से है, जहां उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि हरोली विधानसभा क्षेत्र में एक ऐसे प्रोजेक्ट की शुरुआत की जा रही है जिसकी अलख बता दें कि पंजावर गांव से जली और उसका प्रकाश पूरे देश में फैला। उन्होंने कहा कि 132 वर्षों के बाद सहकारिता आंदोलन के जन्मदाता मियां हीरा सिंह को याद कर रहे हैं और जिन्होंने पूरे देश सहकारिता की नींव रखी। साथ ही उन्होंने कहा कि वर्तमान में गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों में सहकारी सोसाइटियां बड़े स्तर पर कार्य कर रही हैं और इन राज्यों में ये बहुत ही खुशी का और गौरव का मौका है कि हम हिंदुस्तान में सहकारिता की अलख जगाने वाले, सहकारिता का थीम देने वाले, सहकारिता का कंसेप्ट देने वाले मियां हीरा सिंह जी, उनकी याद में यहाँ पे एक इंस्टीट्यूट की स्थापना करने जा रहे हैं। प्रशिक्षण केंद्र, कम सामुदायिक केंद्र और संस्थान यहाँ पे उसकी बुनियाद आज रखी जा रही है और आज से लगभग 130-132 साल पहले उन्होंने यहाँ से सहकारिता का कंसेप्ट दिया था, लेकिन सहकारिता पूरे विश्व में चली गई, पूरे देश में फैल गई, लेकिन जहाँ जिस व्यक्ति ने इस सोच को दिया था उसको भुला दिया गया और इसके दावेदार पूरे देश में बहुत जगह से लोग बनने शुरू हो गए, लेकिन सारा रिकॉर्ड इस बात का गवाह है, दस्तावेज इस बात का गवाह है कि सहकारिता पूरे देश में ऊना जिला के पंजावर क्षेत्र से शुरू हुई थी। हिमाचल प्रदेश बता दें कि मॉनसून के दौरान आई प्राकृतिक आपदा में बेहतरीन कार्य करने के लिए लोक निर्माण विभाग कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। शिमला इंजीनियर भवन में आयोजित सम्मान समारोह में लोक निर्माण विभाग के मंत्री विक्रमादित्य बता दे सिंह ने विभाग के इंजीनियर और कर्मचारियों को सम्मानित किया और भविष्य में अपनी सेवाएं इसी तरह से देने की अपील भी की। इस मौके पर उनके साथ मुख्य संसदीय सचिव संजय अवस्थी भी विशेष रूप में मौजूद रहे। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि विभाग की ओर से सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है और जिसमें विभाग के विभिन्न स्तर के कर्मचारियों और इंजीनियर को सम्मानित किया गया। हमारे विभाग लोक निर्माण द्वारा हमारे जो उत्कृष्ट अभियंता और जेईस एसडीओज और विभाग के और जो हमारे अधिकारी और कर्मचारी हैं उनको सम्मानित करने का ये कार्यक्रम आज डिपार्टमेंट द्वारा यहाँ पे शिमला में रखा गया है, जिसमें पूरे प्रदेश से पीडब्ल्यूडी के अलग अलग स्तर के हमारे सभी कर्मचारी और इंजीनियर्स उनको विभाग द्वारा
सम्मानित किया गया है। आप जानते हैं प्रदेश में आपदा के समय में बहुत सा नुकसान पूरे प्रदेश को हुआ और उसमें लोक निर्माण विभाग ने एक बहुत ही अहम कड़ी निभाकर प्रदेश की विभिन्न सड़कों को खोलने का और बहाल करने का काम किया। एक समय ऐसा था जब प्रदेश में करीबन 4000 सड़कें बंद हो गई थी और सेब का सीजन प्रदेश के अंदर उस समय चरम सीमा पे था। उसको खोलने का कार्य हमारे सभी इंजीनियर्स ने एक टीम वर्क के साथ किया और हमारी ये सोच थी कि उन सब लोगों को जिन्होंने बहुत अच्छा कार्य डिपार्टमेंट के अंदर किया गया है उनको जो है मोटिवेट करने के लिए और उनका धन्यवाद करने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन करना चाहिए और उनको अपने लोगों को जो आपके हिमाचल प्रदेश विधानसभा के उपाध्यक्ष बनने के बाद विनय कुमार पहली बार पछाद विधानसभा क्षेत्र के राजगढ़ पहुंचे और बता दें लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह में उनका कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं समेत स्थानीय लोगों ने स्वागत किया। इस दौरान राजगढ़ में उपस्थित कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों को संबोधित करते हुए विनय कुमार ने कहा कि रेणुका विधानसभा क्षेत्र के साथ साथ पछाद विधानसभा क्षेत्र का भी एक समान विकास किया जाएगा और राजगढ़ क्षेत्र को भी विकास के पथ पर आगे ले जाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। साथ ही उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश सचिवालय में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान और हिमाचल प्रदेश विधानसभा में मुझे गरिमापूर्ण पद प्रदान कर सिरमौर जिले को गौरवान्वित किया है। आज हमारा यहाँ राजगढ़ का दौरा था और राजगढ़ पहुँचे हैं। हमारे बहुत सारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के लोग जो थे उन्होंने बड़ा गर्मजोशी से स्वागत किया, उसके लिए धन्यवाद करता हूँ छात्र ब्लॉक कांग्रेस का। और मैं बताना चाहता हूँ कि हमारी जो सरकार है, हमारी सरकार ने सिरमौर जिला को ये दो पद मिले हैं। पहले यहाँ से कैबिनेट मिनिस्टर का एक पद है और फिर उसके बाद एक जिम्मेवारी हमारे मुख्यमंत्री जी ने हमें और दी है विधानसभा उपाध्यक्ष के तौर पर। तो हम सभी लोगों को बताना चाहते हैं और की जनता को कि बहुत सार्थक सिद्ध होगा ये फैसला जो मुख्यमंत्री जी ने लिया है और हम विश्वास दिलाना चाहते हैं कि जो सरकार की जितनी भी नीतियां हैं, जो हमारी स्कीम्स हैं, उनको हमने जन जन तक पहुंचाना है। पछाद के लोगों की सेवा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जेओए आईटी पोस्ट कोड 817 के अभ्यर्थियों ने शिमला सचिवालय के बाहर अपना विरोध जाहिर किया। अभ्यर्थी सरकार से रिजल्ट निकालने के लंबे अरसे से मांग कर रहे हैं और इसी मांग को लेकर अभ्यर्थी अपने अभिभावक के साथ सचिवालय के बाहर पहुंची और मुख्यमंत्री से रिजल्ट निकालने की गुहार लगाई गई। अभ्यर्थियों ने कहा कि अगर कैबिनेट की बैठक में रिजल्ट निकालने को लेकर कोई निर्णय नहीं हुआ तो वे आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे और साथ ही बताया कि उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। आज पहली बार नहीं हिमाचल प्रदेश की राजधानी में, मैं आज 13वीं बार यहाँ पर आया हूँ। आज परिस्थिति ये हो चुकी है कि अभ्यर्थी तो अपने रिजल्ट की मांग करने आ रहे हैं लेकिन अभ्यर्थियों के माता पिता सड़कों पर आ रहे हैं। क्या मजबूरियां है ऐसी? इस मजबूरी के कारण माता पिता को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है क्योंकि उनके अंदर दर्द है कि जिन्होंने अपने पूरे मेहनती कमाई से अपने बच्चों को पढ़ाया था, आज उनके बच्चे किसी और की गलती से सड़कों पर खड़े हैं। आज मैं आपको हिमाचल प्रदेश की परिस्थिति बताता हूँ। हिमाचल प्रदेश एक छोटा सा पहाड़ी राज्य है जहाँ पर जनसंख्या 1 करोड़ से भी कम है परंतु पूरे भारत में 35% बेरोजगारी दर के साथ पहले नंबर पर है। क्या ये है व्यवस्था परिवर्तन हिमाचल प्रदेश सरकार का कि हिमाचल प्रदेश के बेरोजगार 35% बेरोजगारी के साथ हिमाचल प्रदेश पूरे भारत में पहले स्थान पर है? हाँ, हमारे दो बच्चों का दोनों का क्लियर हो रखा है। बहुत दुख होता है बच्चों को देख के, दिन रात बच्चों ने मेहनत करके दिन रात एक करके, हम साक्षी है खुद अपने बच्चों के, नहीं तो नौकरी तो दिल्ली में भी कर सकते थे। हमने अपनी हिमाचल सरकार में हिमाचल अपने घर में जाएंगे, अपनी नौकरी वहाँ करेंगे, आराम से रहेंगे। और अभी 4 साल हो गए, 4 सालों में बच्चों को नौकरी नहीं दी जा रही, रिजल्ट नहीं दिए जा रहे। 4 सालों से बच्चे सड़क पर घूम रहे हैं जबकि इनका हक है अपने दफ्तरों में काम करे, सरकार का सहयोग करे और ये दर दर की ठोकरें खा रहे हैं बच्चे।
आपको आना पड़ा है आज स्पेशल? हम आए स्पेशल, हम दिल्ली से आए स्पेशल। ये पूछना चाहती हूँ कि हमारे बच्चों का कसूर क्या है? क्या वो क्राइम करने के लिए परमिशन ले रहे हैं आपसे? जो तो क्राइम करने वाले बंदे थे वो तो आजाद होके घूम रहे, और हमारे बच्चे सड़कों पे चार साल पे दर दर की ठोकरे खा रहे। हम ये चाहते कि जल्दी से जल्दी उनको इंसाफ दो, वरना ये ना सोचना कि 4-5 हजार है, उसके साथ पूरी फैमिली जोड़ना, रिश्तेदार जोड़ना, जान पहचान जोड़ना, गली मोहल्ला जोड़ना। हम इतनी बड़ी तादाद में हो जाएंगे कि कांग्रेस का फिर नामो निशान मिट जाएगा, क्योंकि हमारी मिन्नतें करने की हद पार हो चुकी है। हम ये चाहते कि जल्दी से जल्दी इन सभी बच्चों को इंसाफ मिले, यही मेरी बात। मैं जाठा देवी से हूँ, जाठा देवी से हूँ जी मैं। बहुत मेहनत से मेरा बच्चा यहाँ तक पहुँचा है, और सभी के बच्चे जो मतलब मेहनत से यहाँ तक पहुँचे हैं। लेकिन बड़ा दुख हो रहा है कि इलेक्शन से पहले सीएम सर ने बोला था कि जल्दी हमें वोट दो, हम आप लोगों को जल्दी से जल्दी नौकरी देंगे, और अब जो एक साल बीत चुका। हमारे कई आदमी वहाँ शहीद हो गए, कांग्रेस की सरकार थी वहाँ, मैं साक्षी हूँ, मैं श्रीलंका में मैं था, जाफना में 3 साल तक हम रहे वहाँ पर, हमने लिट्टो के साथ हमने लड़ाई लड़ी है ना। चाहे आप छानबीन कर सकते हैं सीएम साहब, मेरा नाम 10 पैरा स्पेशल फोर्स का हूँ, मैं 10 पैरा स्पेशल फोर्स का कमांडो हैं, मेरा नाम राजेश कुमार है। आप चाहे इंक्वायरी कर सकते हो कहीं भी कि ये 10 पैरा स्पेशल फोर्स का झूठ तो नहीं बोल रहा। मैं श्रीलंका में 3 साल रहा, कारगिल हमने 99 का लड़ा, और हमारे बच्चों के यहाँ पर अभी ये इन सब बच्चों के साथ इन्होंने क्या कसूर कर रखा है जो यहाँ पर ये सड़कों पे आज बैठे हैं? नहीं तो इनको होना चाहिए था कहीं कुर्सी पे बैठ जाते और सरकार के सहयोग करते तो आगे बढ़ाने में देश। अगली खबर मंडी से है, जहां शिवरात्रि से ठीक एक महीने पहले बाबा भूतनाथ मठ मंदिर में घृत मंडल श्रृंगार की रस्में शुरू हो जाती हैं, और इस साल तारा रात्रि के मध्यरात्रि को बाबा भूतनाथ का घृत मंडल के रूप में श्रृंगार किया गया। बता दें कि 21 किलो मक्खन से अधिक मक्खन से बाबा भूतनाथ का श्रृंगार किया गया। बाबा भूतनाथ महादेव मठ मंदिर मंडी हिमाचल प्रदेश में महाशिवरात्रि की शुरुआत तारा रात्रि से होती है, जो कि कल तारा रात्रि थी। तो बाबा भूतनाथ जी को मक्खन चढ़ाया गया है, जो कि बहुत प्राचीन एक परंपरा है मक्खन चढ़ाने की। इसी प्रकार से एक महीने तक नित्य प्रति मक्खन चढ़ाया जाएगा, और किसी न किसी राज्य के प्राचीन देवी देवता या किसी शिवालय के स्वरूप में बाबा भूतनाथ का श्रृंगार करेंगे, और वहाँ का इतिहास भूगोल भी बताएंगे, जिससे भोले बाबा के जो भी भगत हैं देश में दुनिया में हिमाचल प्रदेश में, उनको सबको उस भूभाग की भी जानकारी और ज्ञान प्राप्त हो। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना है, ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।